नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको पता है कि लगातार बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। बीजेपी जेडीयू नेताओं के बीच किसी न किसी बात को लेकर लगातार तकरार जारी है। सम्राट अशोक को लेकर भी जब तकरार इतनी बढ़ जाए कि लगे कि दोनों दल अलग हो सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दोनों दलों के बीच खटास बढ़ गई है। और जेडीयू बीजेपी के नेताओं के बीच अगर बयानबाजी हो रही है, उनके रिश्ते में दरार दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा खुश होने की बात है आरजेडी के लिए, और आरजेडी खुश भी है। आरजेडी के नेता कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि नीतीश कुमार से उनको परहेज नहीं है। पहले तो तेजस्वी यादव कहता था कि नीतीश कुमार के साथ लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, उनके साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन उनके पार्टी के नेता ही, चाहे विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा हो या जाति आधार पर जनगणना का मुद्दा, नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखते हैं। तेज प्रताप यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार के बिना तेजस्वी सरकार बना ही नहीं पाएंगे, तो तेजस्वी को नीतीश कुमार के साथ सरकार बनानी चाहिए। तो लगातार आरजेडी की तरफ से भी ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, और आरजेडी ने फिर एक बार दावा किया है कि मकर संक्रांत के बाद, मकर संक्रांत तो खत्म हो गया, अब नया राजनीतिक गुल खिलेगा, और बिहार में बहुत जल्द ही बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है वो सत्ता से बाहर होगी और एक नया समीकरण बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी एनडीए के साथ, एनडीए की सरकार में जेडीयू शामिल है, बीजेपी छोटे दल में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, तो इन सभी दलों को मिलाकर सरकार चल रही है। ये खतरा ज़रूर है कि अगर जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी साथ छोड़ दें तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, लेकिन मुकेश सहनी के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने उनके टिकट पर, उनके सीट पर अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाया है। तो ठीक है, ऐसे तो कहने के लिए मुकेश सहनी के पास चार विधायक हैं, तीन विधायक हैं, लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के साथ ही हमेशा रहेंगे। तो जीतन राम मांझी अकेले छोड़कर एमआईएम को लेकर तेजस्वी यादव के साथ चल भी जाते हैं तो सरकार बनाना बहुत आसान नहीं होगा। तो बिहार में फिलहाल तो तेजस्वी यादव की सरकार तभी बन पाएगी जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ेंगे और तेजस्वी यादव को स्वीकार करेंगे। लेकिन दावे किए जा रहे हैं लगातार, कैसे सरकार बनेगी ये तो खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन दावे जरूर किए जा रहे हैं कि अब समय आ गया है, बिहार सरकार गिरने वाली है और नई सरकार, तेजस्वी सरकार बनने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर आपके जहन में क्या सवाल उठता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।